गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। बच्चों को पसंद नहीं होता है प्याज टमाटर शिमला मिर्च, इसलिए थोड़ा हम अलग तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, आलू, लहसुन, अदरक ये सब भी निकाल लिया है। इन सबको हम एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक काट लेंगे। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या से बनाया है। आधी कटोरी सूजी ले रही हूँ और जितना सूजी लिया है उतना ही हम बेसन लेंगे। अब हम इसमें कम से कम एक कप के बराबर पानी डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और सूजी फूलने तक हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अभी मैं 2 आलू ले रही हूँ मीडियम साइज। अगर बड़ा साइज का है तो आप 1 आलू लें। और इसको जब हमें मिलाना होगा तभी कद्दूकस करेंगे, पहले करेंगे तो ये काला पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको बाद में कर रही हूँ। जो हमने सूजी और बेसन का बैटर बनाया है उसमें हम ये कद्दूकस किया हुआ आलू को भी मिला देंगे। और आलू को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये रहा देखिए, गाढ़ा लग रहा है बैटर, इसमें हम 1 कप पानी मिलाएंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और जितने भी कटे हुए सब्जी हैं उन सबको भी मिला देंगे। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च मिला रही हूँ, फिर टमाटर, प्याज और धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक हम बाद में मिलाएंगे। इन सबको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और जो कुछ भी मसाले हैं थोड़ा बहुत मिला दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी काट के मिला सकते हैं। सब्जी सबको भी अच्छे से मिला लिया है, बैटर एकदम थिक हो गया है। इसमें और 1 कप पानी मिला दिया। अब हम इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अभी तड़का लगाते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल डाल दिया है, गर्म हो गया है। अब मैं इसमें अजवाइन, जीरा, सरसों ये सब तड़का लगा ले रही हूँ और लहसुन अदरक कुटा हुआ, इन सबको हम कुछ देर फ्राई कर लेंगे 1-2 सेकेंड के लिए। और जलने नहीं देना है, नहीं तो स्मेल अच्छा नहीं आएगा। और इसमें मैं छोटे छोटे बारीक बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता मिला दे रही हूँ। अब हम इसमें जो हम बना के रखे हैं बैटर उसको डाल देंगे। और डालने के बाद रुकना नहीं है, चलाते रहना है जब तक ये सूख ना जाए पानी। एकदम अच्छे से सूखने देना है पानी को। ये रहा, कम से कम 10-15 मिनट लगे हैं पानी सूखने दिया है। और ये रहा अच्छे से बंद रहा है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में मैंने तेल लगा लिया था नीचे पहले, उसके बाद मैं इसको फैला दे रही हूँ, ठंडा होने के लिए रख देंगे, अच्छे से सेट होने के लिए। कम से कम फ्रिज में रख लेंगे 1/2 घंटा 1 घंटा। और ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगा दे रही हूँ, सही से प्लेन नहीं हो रहा था, तेल लगाने के बाद अच्छे से प्लेन हो गया। 1/2 घंटा हो गया है और एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको कोई भी शेप में काट लेंगे। मैं चौकोर शेप में काट ले रही हूँ। ये रहा, प्लेट में निकाल ले रही हूँ, ऐसे निकालना नहीं हो रहा था। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो तवा में भी कर सकते हैं, फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। मैं कढ़ाई में कर ले रही हूँ, कम आँच में फ्राई करना है। और हो सके तो आप थोड़ा सा पतला बनाएं, मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया था, थिक लग रहा है अंदर, मतलब सॉफ्ट लग रहे थे, ऐसे टीके लग रहे थे। अगर थोड़ा सा पतला कर देती तो अंदर तक एकदम क्रंची क्रंची हो जाता। कम आँच में धीरे धीरे इसको फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पलटा ले रही हूँ, दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये रहा, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं निकाल ले रही हूँ और फिर दोबारा से डाल दे रही हूँ। टिशू पेपर में निकाल दिया था और एकदम अच्छे से ठंडा हो गए हैं, बच्चों को दे देते हैं। तैयार हो गए हैं आलू का नाश्ता, क्रंची क्रंची। इसको आप हरी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।